महाराष्ट्र राज्य पुलिस रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी 19 जून से समूचे महाराष्ट्र में राज्य पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नागपुर शहर में रिक्त पदों के लिए पुलिस भर्ती की जाएगी। इस बात की जानकारी पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने दी है। भर्ती 2022-23 में कुल 374 पदों के लिए कुल 29,986 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें पुरुष उम्मीदवारों से 22,269 आवेदन, महिला उम्मीदवारों से 7,713 आवेदन और तृतीय पंथी उम्मीदवारों से 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नागपुर जेल कांस्टेबल भर्ती 2022-23 255 पदों के लिए कुल 55,297 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 39,674 आवेदन पुरुष उम्मीदवारों से प्राप्त हुए हैं, 15,618 आवेदन महिला उम्मीदवारों से प्राप्त हुए हैं और 5 तृतीय पंथी के उम्मीदवारों से प्राप्त हुए हैं। उम्मीदवार एक इकाई या विभिन्न इकाइयों में विभिन्न पदों पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, बैंड्समैन, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, जेल विभाग कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तदनुसार कुछ उम्मीदवार एक ही दिन या लगातार दिनों में पदों के लिए फील्ड टेस्ट भी शामिल हो सकते हैं और इससे कुछ उम्मीदवारों को असुविधा हो सकती है। अंत सभी इकाई प्रमुखों एवं महत विभागों को निर्देश दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को एक ही समय में दो पदों के लिए फील्ड टेस्ट में शामिल होने का निर्देश दिया गया है, उन्हें निरीक्षण स्थल पर उपस्थित होने के बाद दूसरे स्थान पर अलग तिथि दी जाए। अन्य स्थानों के संविधान प्रमुखों को ऐसे प्रत्याशियों का क्षेत्रीय परीक्षण करना चाहिए, साथ ही फील्ड टेस्ट की पहली और दूसरी तारीख के बीच कम से कम 4 दिन का अंतर हो। लेकिन इसके पहले फील्ड टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवार का लिखित साक्ष्य दूसरे फील्ड टेस्ट के समय जमा करना होगा। पुलिस भर्ती 2022-23 जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है और उनका फील्ड टेस्ट एक ही दिन है, उन्हें कम से कम 4 दिन के अंतराल पर अलग अलग तारीखें दी जाएगी। कठिनाई या संदेह की स्थिति पर अभ्यर्थियों को raunak.saraf@mahaiit पर ईमेल करना चाहिए। संगठन को चाहिए नागपुर सिटी पुलिस बल ने उक्त प्रक्रिया के लिए 2 पुलिस उपायुक्त, 3 सहायक पुलिस आयुक्त, 46 पुलिस कांस्टेबल, 261 पुलिस कांस्टेबल और 55 मंत्रालय कर्मचारी नियुक्त किए हैं। पुलिस आयुक्त सतर्कता अधिकारी के रूप में भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस बात की जानकारी पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के सेंट्रल जेल के रिक्त पदों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तर अपने नागपूर शहरामध्ये जी भरती आहे पोलीस शिपायांची आणि जेल डिपार्टमेंटचे शिपाई जे त्यांची भरती सुरू होणार आहे, ते 19 जून पासून आणि 9 जुलाई पर्यंत पोलीस शिपाई पदांची भरती आहे। तसेच 11 जुलाई ते 17 ऑगस्ट पर्यंत जे जेल डिपार्टमेंटचे शिपाई त्यांच्यासाठी भरती आपले नागपूर पोलीस हेडक्वार्टर ग्राउंड मध्ये होणार आहे। त्याच्यात पोलीस शिपाई जे आहे ते 347 आहे आणि त्याच्यात 29,987 अर्ज आपल्याकडे आलेली आहे आणि तसेच त्याच्यात पुरुष उमेदवार आहे 22,269 आणि महिला उमेदवार आहे 7,713। तसेच त्याच्यात तृतीयपंथी जे आहे ते 5 त्यांचे अर्ज प्राप्त झालेले आहे आणि जसं मी सांगितलं की जे जेल डिपार्टमेंट आहे त्यांचे 255 पद आहे, त्यासाठी 55,297 अर्ज आमच्याकडे आलेली आहे। त्याच्यात 39,674 अर्ज पुरुषांचे आणि महिलांचे 15,618 अर्ज आहे आणि तिथेही 5 तृतीयपंथी आहे त्यांनी अर्ज दाखल केलेले आहे। शहर पुलिस के साथ ग्रामीण पुलिस विभाग के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इस बात की जानकारी ग्रामीण एसपी हर्ष पोद्दार ने दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पुलिस दल के रिक्त पदों के लिए 19 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। नागपुर ग्रामीण की जो पुलिस भर्ती 2024 के लिए है वो 19 तारीख से शुरू होने वाली है। भर्ती जो है वो नागपुर ग्रामीण पुलिस हेडक्वार्टर्स जो जरीपटका एरिया में स्थित है वहां पर होने वाली है। इसके लिए जो टोटल आवेदन आए हैं ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल 2,723 आवेदन आए हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए 11,551 आए हैं। टोटल वैकेंसीज 129 की है और हमारा ये अपेक्षा है कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 11 से 12 दिन तक चलेगा।
अगर किसी भी दिन बारिश होती है जिसके वजह से उस दिन नहीं किया जा सकता है तो अगला दिन दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा आवेदनकार है जो जिन्होंने दो या फिर दो से ज्यादा घटक में उन्होंने एप्लीकेशन किया है तो फिर उसे उसकी डेट्स जो है वो एडजस्ट की जाएगी। इसको छोड़कर के और कोई अगर इश्यूज रहते हैं तो वो स्थानिक पात्री पर डेफिनेटली सॉर्ट आउट किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।